गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है अतिशय जैन और आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन जेड एट एल का। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम इसकी चाबी की, तो इसमें हमें लॉक, बूट और अनलॉक का बटन मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि DRL फ्लैश हो रही हैं। अगर हम बात करें इसके फ्रंट लुक की, तो इसमें आपको क्रोम की ग्रिल मिलती है विद 6 स्लॉट्स, नीचे हनीकॉम डिज़ाइन। साइड में आपको डुअल बैरल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं जिसमें LEDs हैं। नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको DRL और प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिलेगा विद LEDs। अगर हम साइड लुक की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जिनकी जो टायर साइज़ है डैट इज़ 245/65R17। क्योंकि ये ZATL का मैनुअल वेरियंट है, इस वजह से इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अगर आपका ये ऑटोमेटिक वेरिएंट होता तो इसमें आपको 17 की जगह 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते। साइड में बात करें तो यहाँ पे हमें जो डोर हैंडल है उस पर एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, ORVM पे साइड इंडिकेटर मिलेगा, रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। अगर बैक प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको रेयर विंडो डिफॉगर, वॉशर एंड वाइपर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, ऐसी सी कुछ आपको इसकी LED टेल लाइट्स मिलेंगी। स्कॉर्पियो एन की ब्रांडिंग मिलेगी, वेरिएंट नेम का आपको कोई भी बैज नहीं मिलेगा इसमें। अगर नीचे बात करें तो इसमें आपको रिवर्स लाइट्स और रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, और जो बूट का हैंडल है उसमें भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। अगर हम बूट की बात करें तो विद ऑल द सीट्स अप आपको नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस मिलेगा, जो कि आप इंक्रीज कर सकते हैं सीट्स को फोल्ड करके कुछ इस तरीके से। और अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए हो तो आप इसको और टंबल कर सकते हैं। अगर आप इसको टंबल कर देंगे तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का बूट स्पेस मिलेगा। राइट साइड में आपको एक सबवूफर मिलेगा जो सोनी की तरफ से प्रोवाइड होता है। लेफ्ट साइड में आपको एक जैक मिलेगा जो अगर इन केस ऑफ टायर पंचर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे आपको एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी मिलेगा जो टायर इन्फ्लेटर में काम करेगा। अगर अंदर से बात करें बूट की, तो यहाँ पे आपको एक डोर हैंडल मिलेगा, और जिसका स्पेयर व्हील है गाइस वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, फर्स्ट आई हैव टू अनलॉक द कार, तो यहाँ से आपको डीजल और एड ब्लू का सिस्टम मिलेगा। अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो थर्ड रो में जाने के लिए आपको फ्रंट सीट्स को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा मुझे। तो अगर आप थर्ड रो में जाना चाहें तो आपको ऐसे क्लाइंब अप करके बैठना पड़ेगा। और अगर आप रेयर स्पीड सीट की बात करें तो इसमें आपको स्पेस तो नहीं मिलेगी, स्पेशली फॉर एन एडल्ट। मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट है, तो इसमें काफ़ी मेरे को नीज अप पोजीशन में बैठना पड़ रहा है, जिसमें मेरे पास अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, एंड द नीज आर क्लोजर टू माई चेस्ट। पर अगर हम साइड की बात करें रेयर सीट में, तो यहाँ पे आपको एक कबी होल मिलेगा जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको सोनी के स्पीकर्स मिल जाएंगे, ट्विटर्स कह सकते हैं इन्हें। यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी ऑन बोथ द साइड्स फॉर बोथ द पैसेंजर्स, और ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वार्टर ग्लास मिल जाएगा फॉर द एयरी फील। और अगर पीछे वाले पैसेंजर को सीट टंबल करनी हो तो यहाँ पे एक आपको लीवर मिल जाएगा, जिसको खोलते ही पूरी सीट अपने आप टंबल हो जाएगी। बात करें अगर हम रेयर सीट की, तो इसमें अभी जो आगे वाली सीट है वो
मॉडरेट पोजीशन पे सेट है, मतलब ना आगे लेग रूम की कमी है ना ज़्यादा है, और इस वक्त मेरे पास बहुत सारा लेग रूम है, बहुत ही ज़्यादा हेड रूम है, और अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और क्योंकि गाड़ी की विड्थ इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे तीन जने आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा विद टू कप होल्डर्स, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलेंगे और उसके अंदर ब्लोअर कंट्रोल्स भी मिलेंगे, और साथ में एक टाइप सी का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी मिलेगा। सेंटर में आपको लाइट्स मिलेंगी, डोर हैंडल पे आपको डोर पे अगर हम बात करें तो आपको डोर हैंडल्स मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल्स मिलेंगी, और नीचे एक 1 लीटर वाटर बॉटल का स्लॉट प्रोवाइड करा गया है। और अगर हम बात करें कि पीछे से सेंटर कंसोल का लुक कैसा है तो कुछ ऐसा से दिखेगा आपको। अगर हम इसका इंजन बे अनलॉक करें, अगर हम बात करें इसके इंजन बे की गाइस, अब तो इसमें आपको 2.2 लीटर एम हॉक इंजन मिलेगा, जो कि एक डीजल इंजन है 4 सिलेंडर, जो प्रोवाइड कराता है आपको 172 हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है, अगर यहीं ये ऑटोमेटिक वेरिएंट होता तो सेम हॉर्स पावर के साथ आपको 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता, क्योंकि एज यू नो कि इसमें जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें टॉर्क कन्वर्टर गेयरबॉक्स आता है जिसमें टॉर्क का लॉस होता है, इस वजह से कंपनीज जो हैं वो एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड करती है ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में। अगर हम फ्रंट साइड में आए अगर गाइस, तो इधर आपको डोर हैंडल मिलेगा, पावर बटन कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स फोल्डिंग अनफोल्डिंग और एडजस्टिंग के लिए, लॉक अनलॉक कंट्रोल्स, और 1 लीटर वाटर बॉटल मिल जाएगा, सोनी का स्पीकर और सोनी का ट्विटर मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर हम राइट साइड के पैनल की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन अगर किसी को अनोइंग लगे, हेडलाइट लेवलिंग का बटन और पुश बटन स्टार्ट बटन मिलेगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी विद लंबार सपोर्ट। अगर गाड़ी के अंदर चलते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर प्रॉपरली क्लाइंब अप होके बैठना पड़ता है, जिसकी हेल्प करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी मिलेगा। अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करें, तो गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल साउंड नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, आप इसको पेट्रोल गाड़ी के लिए भी मिस्टेक कर सकते हैं, इतना रिफाइंड डीजल इंजन है इसका। बात करें हम इसकी स्टेयरिंग व्हील की, तो राइट साइड में आपको MID और क्रूज कंट्रोल के लिए बटन्स मिल जाएंगे, और लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, सोर्स चेंज करने के लिए, कॉल आंसर या डिक्लाइन करने के लिए बटन्स मिल जाएंगे। इधर आपको हेडलाइट्स के बटन मिल जाएंगे, जिसमें आप ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती है जैसे इसमें, तो उस पर सेट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे फॉग लाइट्स के बटन हैं। लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट के वाइपर्स के कंट्रोल्स और रेयर वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और आप वाइपर्स को भी ऑटो पे कर सकते हैं ऑटोमेटिक वाइपर्स की वजह से। सेंटर कंसोल की बात करें अगर हम MID की, तो इसमें आपको अभी 13.6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज शो कर रहा है, और रेंज शो कर रहा है 266 किलोमीटर की। और बात करें अगर हम, तो डिजिटल स्पीड पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको जब आप ड्राइव करेंगे तो करंट स्पीड शो होती रहेगी। व्हीकल इन्फो की बात करें अगर हम, तो इसमें आपको TPMS टायर प्रेशर और उनका टेम्परेचर भी पता चल जाएगा, और पावर एंड टॉर्क शो करेगा इस मीटर में आपको। नेविगेशन में अगर आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे नेविगेशन सेट करेंगे किसी डेस्टिनेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न इंडिकेशंस मिलेंगी। सेटिंग्स में आपको पैसेंजर एयरबैग, ड्राउजीनेस डिटेक्शन, TPMS, टायर फिल असिस्ट, साउंड, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रीसेट करने के सारे बटन मिल जाएंगे, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो जिसमें हम सबसे पहले थे, तो इसके अंदर आपको रेंज, टाइम, एवरेज स्पीड, अभी का टाइम और डेट, और ड्राइवर अटेंशन लेवल का एक बार मिल जाएगा।
अगर हम उसके साइड में देखें, लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे एक टैकोमीटर मिल जाता है और राइट साइड में आपको एक स्पीडोमीटर मिल जाता है। तो ये मिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग मीटर है। अगर उसके नीचे चले यहाँ पे जहाँ पे जैप लिखा रहा है, बेसिकली ये ड्राइव मोड्स हैं जिसमें जिप, जैप और जूम है। जिप बेसिकली महिंद्रा का इको मोड है और जैप है वो कंफर्ट या नॉर्मल मोड कह सकते हैं आप, और जूम महिंद्रा का स्पोर्ट्स मोड है। नीचे आपको फ्यूल मीटर और टेम्परेचर मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और टाइम और टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। अगर अब हम आए सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिल जाएगी जिसके अंदर अलग अलग फीचर्स हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले। एप्पल कार प्ले जो है पर वो अभी आया नहीं है, विद अपडेट वो आ जाएगा। रेडियो, नेविगेशन, फ़ोन एंड वेरियस अदर एप्लीकेशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में टू मेक योर लाइफ ईजियर। सेंटर में आपको एक सोनी का स्पीकर मिल जाएगा सेंट्रली माउंटेड। उसके नीचे चले यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, उसके नीचे अगर हम बात करें तो आपको अलग अलग बटन मिल जाएंगे, SOS, रिवर्स कैमरा ऑन करने के लिए, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ या ऑन करने के लिए, पार्किंग लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन करने के लिए और ड्राइव मोड्स चूज करने के लिए। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक कबी होल मिल जाएगा जिसमें आपको एक दो पावर सॉकेट्स मिल जाएंगे USB टाइप ए के। सेंटर में आपको एक 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, फिजिकल हैंड ब्रेक, दो कप होल्डर्स। पर अगर यहीं आप 4x4 वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको सेंटर में एक ही कप होल्डर मिलेगा और इस वाले कप होल्डर की जगह आपको 4x4 एंगेज और डिसएंगेज करने के ऑप्शंस मिलेंगे। सेंटर में आपको कुछ ऐसा आर्मरेस्ट मिलेगा जिसके अंदर एक छोटी सी कबी स्पेस भी है। लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जो इल्यूमिनेटेड है और वेंटिलेटेड भी है। लेफ्ट साइड सनवाइजर की बात करें तो इसमें आपको वैनिटी मिरर और लाइट मिल जाएगा। राइट साइड की बात करें तो इसमें आपको ना वैनिटी मिरर ना कोई लाइट मिलेगी। ऊपर आपको ड्राइवर साइड के पास एक ट्विटर मिल जाएगा, एक उधर भी मिल जाएगा पैसेंजर साइड की तरफ, और यहाँ पे सनरूफ जिसको खोलने के बटन यहाँ पे हैं। एक डिसेंट साइज सनरूफ है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और ये इतना मैक्सिमम खुलती है। दिस कैन प्रोवाइड यू एन एरी फील, और अगर आप माउंटेन्स वगैरह पे ट्रैवल करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बना देती है आपका। यू कैन ऑल्सो टिल्ट दिस सनरूफ इफ यू वॉन्ट। अगर हम सेंटर में ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलेंगी और सनग्लास होल्डर भी मिलेगा। IRBM की बात करें तो ये ऑटोडिमिक नहीं है, आपको मैनुअली करना चाहिए। बट इस प्राइस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको ऑटो IRBM तो एक मस्ट होना ही चाहिए था महिंद्रा की तरफ से। अगर हम बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की गाइस, तो कुछ ऐसी साउंड क्वालिटी मिलेगी आपको इसके सोनी के स्पीकर्स से। अगर साउंड क्वालिटी का रिव्यू दूंगा इस, तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं है, मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी गुड अमाउंट ऑफ बेस है, क्लैरिटी है। और जैसा कि मेरे को लग रहा था कि इन पोजीशंस पे ट्विटर होने की वजह से वो कान में चुभेंगे, वैसा भी मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इट्स अ गुड साउंडिंग सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं ड्राइविंग रिस्पॉन्स की तरफ। ड्राइविंग रिस्पॉन्स अब हम स्टार्ट करेंगे इस, तो सबसे पहले हम इसको डाल देते हैं आज जिप मोड में। जिप मोड एक्टिवेटेड लिखा आ गया है और साथ ही साथ हम इसका ऑफ कर देते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ हो गया है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मैंने इसका बंद कर दिया है और हम इसको ड्राइव करके देखते हैं हैंड ब्रेक डाउन। तो जिप मोड में गाइज ये क्योंकि ये इसका इको मोड है, इस वजह से ये जो है पावर को रिड्यूस कर देता है
और अब 172 हॉर्स पावर की जगह ये 135 हॉर्स पावर अराउंड प्रोड्यूस कर रही है, जो कि इसके अगर आप स्कॉर्पियो N का बेस मॉडल लें या Z4 मॉडल लें उसमें भी आपको इतनी ही पावर मिलेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो इसका इंजन साउंड है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप डीजल चला रहे हैं या पेट्रोल चला रहे हैं। बहुत ही स्मूथ रिफाइंड इंजन है, रोड नॉइज भी बिल्कुल नहीं आ रही है। जो इसकी ड्राइविंग प्रेजेंस है और जो रोड प्रेजेंस है जो आपको फील हो रहा है वो आप कह सकते हैं बिल्कुल फॉर्च्यूनर से कंपेयर करने लायक है। आपको पूरा बोनेट दिखता है अपनी गाड़ी का, और जो इसकी गियर शिफ्ट्स भी हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, शॉर्ट शिफ्ट्स हैं, लॉन्ग थ्रोज नहीं मिलेंगी, और जो क्लच है वो भी बिल्कुल लाइट है। जिप मोड में भी अगर आप ओवरटेक करना चाहें तो जैसे ही मैंने थ्रॉटल पे पैर दिया गाड़ी पिक होनी चालू हो गई है। अंडर 2000 RPM भी इसका रिस्पॉन्स अच्छा है जिप मोड में, और 2000 RPM के बाद जैसे ही टर्बो स्पूल हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत श्योर फुटेड हैं, और जैसे कि ये बॉडी रोल स्कॉर्पियो के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी पुराने वाली जनरेशन में, इस मॉडल में उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसे कि एक बॉडी ऑन फ्रेम चैसी पे गाड़ी बनी है तो बहुत ही ज़्यादा रगेड होती है ये गाड़ियाँ, कि आप इनसे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं और इनकी सस्पेंशन को कोई हार्म नहीं होता। बट इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये होता था बॉडी रोल, जो कि महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा काम करके उसे कम कर दिया है। ऐसा कुछ इसका आपको हॉर्न मिलेगा, गाड़ी बहुत स्टेबल है गाइस। मैं अभी 85 की स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ, मेरे को ना वर्टिकल मूवमेंट्स लग रही, जो कि पुरानी स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा था, कि आप 80-90 पे का चलाते थे तो आपको कॉन्फिडेंस लूज होता था। नाउ आई एम फ्लैट आउट ऑन द एक्सेलरेटर इन फिफ्थ गियर एंड द कार हैज ऑलरेडी टच्ड 120 किलोमीटर पर आवर इन जिप मोड। दिस इज नॉट इवन द स्पोर्ट्स मोड ऑफ दिस मॉडल। अगर आप ब्रेकिंग करेंगे तो नोज डाइव आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी हाइट की गाड़ी है तो वो हमें मानते भी हैं कि आना ही चाहिए। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, मैनेजेबल है। और जैसे अभी मैं 120 तक लेकर गया गाड़ी को, बट स्टिल गाड़ी में एक बार भी फील नहीं हुआ कि हम इतनी हाई स्पीड में चल रहे हैं। वहीं कोई और इतनी बड़ी गाड़ी होती है तो उसमें वर्टिकल मूवमेंट के कारण आपको लगता है कि आपको गाड़ी धीरे कर लेनी चाहिए, बट नॉट विद द स्कॉर्पियो एन। आपको ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि आप पुश करो। अब हम फिर से ट्राई करेंगे इसको जैप मोड में, जैप या जूम मोड में ट्राई करेंगे, ताकि हम इसकी बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देख पाएं। जूम मोड पे चलाने से पहले अगर हम इसके रेयर कैमरा की एक बारी बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको इसका रेयर कैमरा मिलेगा, जो कि क्लियर नहीं है बट गेट्स द जॉब डन। बट इसमें सबसे बड़ा एक ही इशू है कि इसके अंदर लैग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो साइड से कार्स पास कर रहे हैं वो लैग होते हुए जा रही हैं, तो अगर आप रिवर्स कर भी लेंगे कैमरा आपको बाद में शो करेगा, जो कि एक बहुत ही ख़राब फीचर है और महिंद्रा को इसको सिस्टम अपडेट के साथ रिजॉल्व कर देना चाहिए। अब बढ़ते अगर हम ड्राइविंग रिस्पॉन्स इन द जूम मोड, तो सबसे पहले हम गाड़ी को जूम मोड पे कर लेते हैं। जूम लिखा हुआ आ गया और जूम मोड एक्टिवेटेड भी लिखा आ गया है। अब हम इसको ड्राइव कर रहे हैं जूम मोड में। तो इंस्टेंटली जो गाड़ी का रिस्पॉन्स है वो जिप के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब ये पूरी अपनी 172 हॉर्स पावर यूज़ कर रही है, और देखते ही देखते हमने 100 की स्पीड को भी क्रॉस कर दिया है। अभी जैसे एक ब्रेकिंग करी हमने तब भी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल थी, अपनी लाइन नहीं छोड़ी। इसकी रोड प्रेजेंस इतनी है कि आपको खुद ही लोग साइड दे देंगे गाइस,
ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। और अगर हम इसको सिक्स्थ गियर में चला रहे हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 आरपीएम पे 100 की स्पीड पे आराम से क्रूज कर रही है। एंड द मोमेंट आई हैव टैप्ड ऑन द थ्रॉटल जूम मोड में तो ये और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है एज कम्पेयर टू जिप। अंडर हैवी ब्रेकिंग आपको नोज डाइव एविडेंट है बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। स्टेयरिंग की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकली असिस्टेड स्टेयरिंग व्हील है जो सिटी स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा लाइट है और जैसे अभी हमने स्पीड बढ़ा के चला के देखी तो अपने आप ऑटोमेटिकली वे अप हो गया था जो कि कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा था। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमारी वीडियो में मिस हो गया था गाइस कि वो है कि इस गाड़ी के अंदर आपको वॉइस कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्सा व्हाट्स द डेट टुडे, इट्स ट्यूसडे डिसेंबर 6th। सो इसमें आपको एलेक्सा का सपोर्ट भी मिलता है गाइस, जिससे आप अपने ड्राइव के थ्रू कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसी टेम्परेचर कम ज़्यादा करा सकते हैं। कनेक्टेड कार वाले सारे फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप इसकी ऐप यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू आप इसको इंजन स्टार्ट स्टॉप जियो फेंसिंग वगैरह सारे फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो उसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मुझे DM भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।